हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिनदर व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे तगड़े से नए फ्रेश व्लॉग में। सो गाइज, अभी बज रहे दोपहर के 3 और अभी आज मैं बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से व्लॉग, वो भी आईफोन 13 प्रो से। पहले मैं अपना एक्सते बना कर आया हूँ, देख सकते हो आज क्वालिटी भी थोड़ी तगड़ी से आ रही है, पूरा वाइड एंगल आ रहा है। अभी मैं दिखाऊँ आपको हमने कौन सा फ़ोन लिया, शीशे में दिखाता हूँ। मैं सीधे व्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ यहाँ में, अभी दिखाऊँ मैं तुम्हें। लो गाइज, ये है कुछ हमारा आईफोन 13 प्रो वाला फ़ोन, 256 GB है। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। गाइज, फैमिली के लिए सरप्राइज़ है क्योंकि आज आने वाले मेरे बड़े ब्रदर जिनका नाम है मिंटू भाई, आपने कभी तो वो व्लॉग में देखे नहीं होंगे क्योंकि वो एक्चुअली व्लॉग में कमाते हैं। गाइज, ये रही हमारी सेंट्रो, ये रही पोलो और ये रही अपनी एल्ट्रॉज। और जो क्वालिटी आ रही है, एक बार आप कमेंट में कर दो कि क्वालिटी में कुछ दिक्कत तो ना हो। आपके लिए, बस आपके लिए कराओ ही हमने, जो कि एक बड़े फ़ोन पर उतरे हैं, वरना मैं एक्स्ट्रा बना कर वाते भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर हमें लग रहा कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने 13 प्रो निकाल लिया है। भाई के दोस्त का था, हमने ले लिया अपना, कोई ना, सारे भाई हैं, अब ले लियो। अब हम चलें ताई जी सर के घर की मोई। गाइस, दीदी हर सो रही होंगी ज़रूर, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार देख लेते हैं कहाँ कर रही है। लो देख लो जी, ताई जी खा रही हैं, पी रही हैं चाय। और दीदी, हाउ आर यू? और देखो दीदी हर देख रही नाटक। ताई जी कुछ बोलोगे आप? हाय कर दो दीदी, आप भी हाय कर दो। हालत खराब है यहाँ की, घनी बुरी हालत खराब है। गाइस, शादी की प्रिपरेशन चल रही है, एक बार फॉर्म का लुक बताओ आप हमको कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। थोड़ा गलों से भी बैठ गया है हमारा, और जिधर हमारा टेंट लगेगा हम आपको लेके जा चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करके हम सीधे पहुँचे होंगे। और इधर हमारा पोता ना आया, ये हमने द्वार पुतवाया पेंटर को बुलवा के। भाई गाइस, जो हमारा फार्म है ना, एक बार आप कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा। पूरा वाइड एंगल दिखा दिया मैंने आज आपको। गाइस, हम पेड़ कटवा रहे हैं, जो कि जो टेंट लगेगा वो इधर लगेगा। तो प्रिंट भाई अंदर पेड़ कटवा रहे हैं, जो कि पेड़ कट चुके हैं। और ये भी कुछ बोल रहे हैं, इनसे भी कहते हैं क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ में लगेगा। हाय कर दो आप, हाय कर दो, आप व्लॉग में आ रहे हो। और बढ़िया भाई, बढ़िया। व्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे आप? ये हमारे ठेकेदार हैं। कौन से जी? आप बोलो जी कुछ, आप पेड़ काट रहे हो। हम लकड़ी काटते हैं। हाँ जी, लकड़ी कटी पड़ी है और इसमें टेंट लगेगा, हम दावत खाने आएंगे बस। और क्या क्या मतलब? हाँ, दावत खाने आओगे जैसे कि आप। हाँ। तो आप प्रिपरेशन से आना पूरी, जैसे आप आए आप लकड़ी काटने। हाँ। जो अपना लत्ता वत्ता कैडे करके। हाँ। ऐसा अंग कतई जैन हड़को मतलो जैन वन चैन भी पहरे सोने की, देख कर दिखा देंगे। देखो मत ले ही हो अपनो। गाइस, फार्म अपना जैन वन लग रहा हो, एक बार कमेंट करके बताओ। लोअर के अंदर पैंट है, लोअर के अंदर पैंट। अभी वीडियो देख रहा तो मैं देख रहा हूँ आवाज घनी आ रही है हवा की, ब्लॉग में आवाज घनी आ रही है हवा की, जो पीछे से हवा चल रही है ना, एक बार आप कमेंट करके बताओ आपको ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है, हवा तेज चल रही है, अपना इधर बारिश पड़ी थी तो अब हवा चल रही है। गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। और गाइस, अभी बज रही है दोपहर के 12 और अभी मैं चलूँ अपनी गाड़ी को लेने। मैंने अपनी जो गाड़ी थी वो वॉशिंग के लिए भेज दी थी सुबह, और आज मैंने स्कूल की छुट्टी करी है क्योंकि मेरे प्री बोर्ड तो हो चुके हैं ख़त्म, इसलिए मैं घर रह करूँगा। और मैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी घेरी आया वॉशिंग के लिए, घनी गंदी हो रही बारिश में, तो अभी हम चलते हैं उसको लेने। और अभी टाइम हो रहा 12 बज रहे हैं, और देख सकते हो कुछ फार्म का व्यू ऐसा आ रहा है पीछे से, देख लो एक बार। और अभी मैं चलूँ बस, पास में ही है इधर। पहले तो करे करो ना मारुति वाला, न्यू कैर करो, मारुति की गाड़ी लाओ, जब करेंगे सोच रहे मारुति की कहाँ से लाएँ। तो गाइस, अपने हम थोड़ी बातचीत बैठा कर उसे वॉशिंग के लिए भेज दिया है, और अभी मैं चलूँ आपको दिखाऊँगी कैसी उनने धोई है। भैया जिन्हें ना पता, हमारे ये फार्म का गेट है और इधर ही हुआ किसान स्कूल। बालक खींच के पढ़ रहे हैं, देख रहे भैया यू कौन जा रहा हो, हमारी फिल्म सी बनाता वो। गाइस, मैं सीधे उधर पहुंच के मिलता हूँ आपसे, देखें उनने कैसी करी अपनी गाड़ी। ले गाड़ी होगी अपनी जेन्युइन।
गाइस देख सकते हो युवा मारुति कंपनी और यहाँ हमने धुलवाई अपनी सेंटरों और करे हैं स्टार्ट। देख सकते हो अंदर से कितनी जेनुइन करवा दी हमने। ले भाई अब मिलते हैं हम तुम्हें सीधे फार्म के अंदर। गाइस अब मैं सोच रहा हूँ जो मेरे व्लॉग जो होते हैं वो बड़े छोटे छोटे रहे हैं, 3-4 मिनट के। यू वाला व्लॉग जो है ना बड़ा रहेगा थोड़ा बहुत अपने। अब हम बड़े व्लॉग बनाने चालू कर दिए हैं। देखो कदे पास में ही हो ये स्कूल के बालक और यू मोड़ी हमने अपनी गाड़ी। सो गाइज फार्म पे तो हम आ चुके हैं। एक बार हम आपको बताते हैं इसकी इसने क्या क्या किया है। एक तो पूरी हमने अपनी पूरी कार वॉश कराई है, वो तो है ही। जिसके जो छोटे छोटे दाग थे मींस जो पेंट लग गया था ना वो हमने अपना पूरा सारा छुटवा दिया है। अपना एक दो होंगे एक बहुत ही रेयर अपना, वरना सारे दाग छुटवा दिए क्योंकि बहुत कैडे छुटे हुए भी कह रहे हैं भैया बड़ी मेहनत तो छुटे हैं। और जो हमारा पेंट है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छुटक रहा है। और देखते हैं इसने क्या किया है। और तो गाइस इसने भीतर से कुछ ढंग से करवाना हो बस आगे पॉलिश सी मार दी है। और तो साइड में तो ना मारी, बस सामने फ्रंट पे मारी है ना पॉलिश। चलो कोई नहीं आगे से एक बार लुक देख लो। जब भाई आ जाएंगे गाइस भाई इसको भी धुलवाएंगे। ये तो घनी गंदी हो रही है, ये भी धुल जाएगी। यूरिया की बैटरी एक बार में चार्ज हो जाएगी, एक सेल्फ लगाना यू चार्ज हुई ना बैटरी। सो गाइस अभी हम खाते हैं रोटी। मम्मी आज काका बनो है, आज आलू गाजर की सब्जी और कढ़ी, यूरी कढ़ी और यूरी हमारी छाए और रोटी है। अपना रोटी तो है ही, मक्का की है गेहूं की है? गेहूं की है गाइस, गेहूं की रोटी है। टाइम नहीं था ना इसलिए, हमारी शादी है। शादी तो चली रही है गाइस आपको पता भी है, अब लोग भी आएंगे शादी के। मक्का की और बाजरे की रोटी में टाइम लगता है ना इसलिए गेहूं की बनाई है। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? गांव में। गांव में? हाँ हमारे गांव में। गांव में काय को जा रहे हैं? दनकौर में हमारी शादी है। शादी है तो कुछ है भी आज? आज हमारे छह ही है। छह ही है तो भैया छह ही को जा रहे हैं। रोटी तो तुम ना नौ ही खा ली होंगे का खाओगी? हाँ भी खाएंगे दही कढ़ी चावल। कढ़ी चावल खाएंगे है? चावल पकौड़ी कढ़ी चावल बनेगा गाइस। अभी हम चलते हैं, मम्मी बैठो जल्दी और पापा को भी देनी है चेक बुक। ये बल्ब वल्ब तो अपने आप ही मंगवाई होंगे? नहीं वो टेंट वाले नहीं करवाए बल्ब तो, टेंट के लगे। गाइस देखो ये हो रहा एक घर, शादी वाला घर है, शादी वाला घर दीदी। यू तो बाबा जी घर आ गो और ये जिनके शादी है।